अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक और मजे में होंगे। आज जो है ना लव बर्ड्स के रिलेटेड मैं आपको काफी ज्यादा टिप्स दूंगा। अगर आपके पास लव बर्ड्स हैं और वो अंडे नहीं लाए कर रहे या आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि वो मेल और फीमेल है कि नहीं, और मेल और फीमेल कैसे पता चलते हैं, अंडे जब देते हैं उनमें से बच्चे कितने दिन बाद निकलते हैं और कितने बच्चे निकलते हैं और किस सीजन में जो है ना इनकी ब्रीड करवानी चाहिए और नेस्टिंग बॉक्स केज वगैरह सारा जो है मैं आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलते हैं, मैं आपको पहले अपने लव बर्ड्स दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यहाँ पे फिशरी के ना एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। अब ये मेल और फीमेल है, ये भी मेल और फीमेल है, मतलब ये जोड़े लगे हुए हैं। नेस्टिंग बॉक्स ये सामने आप लोगों के पड़ा हुआ है, लकड़ी का काफ़ी ह्यूज साइज का जो है ना मैंने रखा हुआ ताकि ये अंदर जाएं तो अपने आप को फील करें कि मैं अपने घर पे हूँ और कंफर्टेबल फील करें। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो ब्रीड ऑलरेडी करवा चुका हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास पेयर है ना एक ये पर्सनाटा का, ये मेल और फीमेल है। इसके जो लास्ट मैंने बच्चे ब्रीड लिए थे ना, ये चार बच्चे निकले थे उसके। यहाँ से मैं थोड़ा सा और क्लोज करके आप लोगों को दिखाता हूँ, वो देखें। उसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट में ये जो फीमेल और मेल है इसकी जो ब्रीड है मैंने वो यहाँ पे ली हुई है, माशाल्लाह ये तीन बच्चे निकले थे। ये भी मैं आपको क्लोज करके मतलब यहाँ से दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर नजर आएगा। और अब टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड आप जानना चाह रहे थे। सबसे पहले आपने अपने लव बर्ड्स में कंफर्म करना है कि आपके पास जो लव बर्ड्स हैं वो मेल और फीमेल है कि नहीं। इनका जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना। अगर आप इन आसानी से चाहते हैं कि मेल और फीमेल पता चले तो आपने जो है ना मेल का और फीमेल का जो है ना एक एक पर उतार लेना है और किसी भी पेट स्टोर पे जाके, पेट क्लिनिक पे जाके ना उसका डीएनए करवा लेना है, तो 100% ये रिजल्ट जो है ना आपके सामने आएगा मेल और फीमेल है। अगर आप ये लोग नहीं करवाना चाहते, डीएनए नहीं करवाना चाहते, तो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बता देता हूँ मेल और फीमेल में कैसे पता चलता है। मेल जो होता है ना वो साइज में छोटा होता है और फीमेल जो होती है ना वो साइज में बड़ी होती है। उसके अलावा भी काफी टिप्स है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं अपने लवर्स को पकड़ूंगा नहीं, उसके अलावा इनके बच्चे जो है ना उसपे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे आपको मेल और फीमेल का पता चलता है। सबसे पहले मेल और फीमेल का पता चलेगा तो फिर ही जो है ना वो सक्सेसफुल जो है ना वो ब्रीड होगी और आपके लवर्स जो है ना वो अंडे लाए करेंगे। अब ये देखें, आप एक आप लोगों को समझाने के लिए ना मैं आपको इजिली जो है ना वो बता देता हूँ, थोड़ा सा दूर रखो मोबाइल, इजीली जो है ना मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये समझ लें आपका लव बर्ड है, आपने कोई भी एक पेयर में से एक लव बर्ड पकड़ लेना, उसको जो है ना आपने ऐसे उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद ना उसके ये जहां से विठे करते हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर ना हड्डी होगी, वो हड्डी पे आपने इसी तरह ये देखें, ये हड्डी होगी, आपने हड्डी पे इस तरह हाथ लगा के देखना है। अगर तो उसके ज्वाइंट जो है वो इस तरह, मतलब मैं उंगली से एक्सप्लेन करता हूँ, ज्वाइंट इस तरह होंगे ना, इस तरह ये दो हड्डियां इस तरह हड्डी पे हाथ लगाएंगे, ये दोनों ज्वाइंट इस तरह जुड़े होंगे तो वो मेल होगा। और जो फीमेल है ना उसका भी यही से आपने क्या करना है, उसके जो ज्वाइंट होंगे ना वो थोड़े से ऐसे खुले होंगे, स्पेस होगी बीच में, हाथ लगाओगे ना तो आपको एक हड्डी यहाँ पे महसूस होगी और एक हड्डी यहाँ पे महसूस होगी, तो ये फीमेल होती है और जो मेल होता है उनकी हड्डी आपस में जुड़ी होती है, वो मेल होते हैं। उसके अलावा भी काफी टिप्स है, आपने क्या करना है, नेस्टिंग बॉक्स जो है ना ला के रख देना है, केज का साइज बड़ा होना चाहिए उनके कंफर्टेबल, जिसमें अच्छे तरीके से है ना वो हल्का फुल्का फ्लाई भी कर सके। और नेस्टिंग बॉक्स साइज में आप जो ये देख लें, ये मेरे पास नेस्टिंग बॉक्स पड़ा हुआ है, इस साइज का जो है ना आपके पास नेस्टिंग बॉक्स होना चाहिए। आपने क्या करना है, नेस्टिंग बॉक्स में ला के जो है ना वो पराली रख देनी है, पराली इसके अंदर रख देनी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी पराली जो है ना उनके केज के अंदर रख देनी है और कुछ दिन वेट करना है, बाद में देखना है नेस्टिंग बॉक्स खोल के। अगर तो पराली नेस्टिंग बॉक्स में जो है ना वो प्रॉपर अच्छे तरीके से उन्होंने कवर किया हुआ है, चारों साइड पे जो है ना पराली रखी हुई है, तो इससे भी कंफर्म हो जाता है कि मेल और फीमेल है। अगर पराली सिर्फ उन्होंने उठा के अंदर जाकर फेंक दी है तो वो दोनों मेल होंगे। फीमेल जो है ना वो अच्छे तरीके से अपने घर को सजाती है, सजाने से ये पता चलता है कि वो फीमेल है। तो ये भी टिप आपको बता दी, ये टिप्स होगी इनके। और आपके अगर लव बर्ड फिर भी उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद कंफर्म हो गया कि मेल और फीमेल है और ब्रीड नहीं करे, तो आपने जो है उनका केज चेंज कर देना है या नेस्टिंग बॉक्स चेंज कर देना है। नेस्टिंग बॉक्स हमेशा बढ़िया से रखें और केज भी जो है बढ़िया से रखें। और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि ये इंशाल्लाह जो है वेरी सुन आपके लव बर्ड जो है वो अंडे दे देंगे। और फिर भी अंडे नहीं देते तो आपने कैल्शियम का यूज करना है, किसी भी जानवर वाले मेडिकल स्टोर से जाकर कैल्शियम का एक पैकेट ले लेना है, वो आपने इनको डोरी के अंदर डाल के रख देना है। नहीं अगर शौक से खाते डोरी में, आपने इनके दाने के अंदर जो है एक चम्मच रोजाना डाल देना करना, जब वो दाना खाएंगे तो कैल्शियम भी साथ जो है वो खा लेंगे। उसके अलावा पानी के अंदर जो है ना गर्मी, अभी गर्मियों का सीजन जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गर्मियों में भी जो है ना वो इनकी ब्रीड ली है। अभी जो मैंने आपको बच्चा दिखाया गर्मियों का सीजन है, फुल गर्मी है और मैंने इनकी ब्रीड ली है क्योंकि मैं इनको विटामिन कैल्शियम और काफी चीजें जो है ना वो प्रोवाइड करते रहता हूँ, सोर फूड वगैरह, जिससे जो है ना इनकी सेहत स्टेबल रहे। अब आप लोगों ने क्या करना है, वो विटामिन विटा इलेक्ट्रोलाइट किसी भी जानवरों वाले स्टोर पे जाके ले लें, बहुत अच्छा। अगर आपके वहां से आप किसी और कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो कोई भी विटामिन आप ले लें। और गर्मियों में अगर आपने इस्तेमाल कर लेना तो दो दिन का बफर डाल के एक दिन इस्तेमाल करना है, दो दिन बाद डाल
देना, दो दिन का बफर डाल के एक दिन डाल देना, दो दिन का बफर डाल के देना। गर्मियों में ज्यादा विटामिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कैल्शियम जो है वो आपने मुस्तकिल तौर पर रख देना, जब दिल चाहे ये खाए पिए और मौज मारे। उसके अलावा अगर आपके लवबर्ड्स के जो है ना वो अंडे खराब हो जाते हैं, उसमें से बच्चे नहीं निकलते, तो आपने क्या करना है, विटामिन का इस्तेमाल करना है, कैल्शियम का। ये जो है ना मुस्तकिल इनका सोल्यूशन है। जैसे हम लोग, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैं, मुझे विटामिन की कमी हो तो हम सेब, अंगूर, अनार, केलों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें हर किस्म के मल्टीविटामिन मिल जाते हैं। इनमें भी यही होता है कि इनको मल्टीविटामिन जो है ना प्रोवाइड करने के लिए, सोर फूड में आप इनको चावल दे सकते हैं, करने के लिए थोड़ी सी उसको पानी में रात को डिप करके रख के सुबह निकाल के जो है ना आप इनके दोरियों में जो भी आपने रखा हुआ उसके अंदर डाल दें। उसके अलावा आप इनको चने दे सकते हैं, फिर मल्टीविटामिन दे सकते हैं, जिससे इनकी कैल्शियम पूरी होती है। जब इनकी कैल्शियम और विटामिन पूरे होंगे तो इनके अंडे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और आपने अगर ब्रीड लेनी है तो सितंबर के महीने से इनकी ब्रीड जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। सितंबर के महीने से आप इनका नेस्टिंग बॉक्स और इनको ये चीजें देना शुरू कर दें, जो जो मैंने आपको बताई हैं, वो इंशाल्लाह देखें कि आप कुछ दिनों में जो है ना वो अंडे लाए कर देंगे। लेकिन मेल और फीमेल कन्फर्म होने चाहिए और अडल्ट होने चाहिए। 6 महीने बाद जो है ना मेल और फीमेल अडल्ट हो जाते हैं अंडे लाए करने के लिए। और अगर आप बाय करके लाए हैं तो आपको एज का नहीं पता चलेगा। मुझे भी सीरियसली एज का नहीं पता चलता। एज का ऐसे होता है कि जो बर्ड्स है ना उनकी चोंच बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, उससे पता चल जाता है कि ये मेल या फीमेल जो है ना ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। तो बुजुर्ग जोड़ा कभी भी ना लें, छोटा पेयर ले हैं, उनको कुछ देर अपने पास रखें, जब तक आपके पास रहेंगे तो आपके घुल मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह जब उनका ब्रीडिंग का टाइम आएगा तो वो बड़ी अच्छी जो है सक्सेसफुली ब्रीड भी करेंगे। बाकी मेल और फीमेल का कैसे जज करते हैं ये भी बता दिया। इनमें अगर विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, अंडे खराब हो रहे हैं, तो आप उनको जो है वो चीजें दें, विटामिन दें वगैरह वगैरह, ये जो मैंने चीजें आपको पहले बता चुका हूँ। और उसके अलावा बच्चे अगर मर रहे हैं, तो मेरे भी इस सीजन में काफी बच्चे जो है ना वो मर गए हैं। अब वो माँ बाप पे डिपेंड करता है कि माँ बाप उनकी कैसी परवरिश करते हैं। आपने अपना बेस्ट करना है, आपने सॉफ्ट फूड जो है ना वो लाजमी रोजाना की बुनियाद पे, कभी चने दे दिए, कभी चावल दे दिए, कभी कनक दे दी, इस तरह करके ना बदल बदल के चीजें इनको देते रहना है, ताकि ये बच्चों को जो है ना अच्छे तरीके से फीड करवा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।